मेरा नाम है सबा नाजी और मैं मुरीदकियों में पैदा हुई। आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ कि मैंने इतना सफ़र कैसे तय किया। मुझे ड्रीम आते थे कि इतना बड़ा ग्राउंड होगा, मैं ऐसे खेलूँगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी क्रिकेट लेवल पर जा सकती हूँ या कभी यूनिवर्सिटी लेवल जा सकती हूँ। एफए करने के बाद फिर जाके मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चली गई और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाद मुझे वहाँ से मैं साइकिल पे जाया करती थी अली इमरान अकेडमी। 6-7 दफ़ा गिरती थी क्योंकि मुझे साइकिल चलानी आती थी। जब मैं नई नई साइकिल ली थी तो यही नहीं पता था कि किस रोड पे क्या लेके जा रही हूँ। पॉकेट मनी के लिए मेरे पास कुछ पैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। फिर वहाँ पर मैंने एक वेटर की भी जॉब की थी। वो सफ़र मेरा सबसे टफ गुजरा था। 3 महीने सिर्फ 300 रुपये में गुजारे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जब घर से निकली थी। मैं 1 घंटा 40 मिनट साइकिल चला कर जाया करती थी बहरिया टाउन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से अली इमरान अकेडमी। कभी नहीं भूलेगा कि जैसे मैं निकली और इतनी गर्मी थी, जब मैंने थोड़ी देर तक चलाई थी कोई 15-20 मिनट साइकिल और मेरी बस हो गई। जैसे मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया साइकिल पे गई और वापस आई, और जैसे मैंने फर्स्ट डे रोड पर बैठ के रोज़ा खोला और वो जाते जाते किसी ने, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था, और ऐसे किसी ने देखा मुझे और 2 खजूरें दे गया और एक कोई सेब दे गया ऐसे रोड बैठी। और मेरा फर्स्ट डे था कि जब मैं रो के वो रोज़ा भी खोली थी और इतनी खुश थी कि शुक्र अल्लाह का मुझे ये दर्द सब कुछ भूल गया था कि मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। और जैसे मैं ट्रेनिंग की वापस आई और डेली मेरा 7 महीने ऐसे आते जाते थे अली इमरान अकेडमी। जैसे फर्स्ट टाइम कराची गई तो मैं इतनी हाईलाइट हो गई कि पहले मैच अगाने बना दिया। और टाइफाइड की हालत में गई थी, तब मुझे टाइफाइड ही था, कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं था। उन्होंने बोला नया बॉल करोगे, मैंने कहा जहाँ खिलाएंगे मैं खेलूंगी, पुराना बॉल कराएं डेथ ओवर कराएं मैं करूँगी, क्योंकि मुझे भूख थी कि बस मुझे करना है, बस मुझे चांस दे। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था कि मेरा इंटरनेशनल प्लेयर है कुछ भी है, क्योंकि ज़िंदगी मुझे कभी डर नहीं लगा कि मेरा अगर बड़ा प्लेयर होगा मुझसे डर जाऊँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ, बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ने मेरा इतना अच्छा डेब्यू करा। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। और उसके बाद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे उस्तादों की दुआएं हैं कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरा डेब्यू बहुत अच्छा हुआ। जो मैं चाहती थी कि अल्लाह जब मैं डेब्यू करूँ तो मुझे इज्जत देना। पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत ऑनर की बात है कि अल्लाह किसी को ये मौका देता है और हर बंदा इसके लिए सेलेक्ट नहीं किया जाता। वो खुशकिस्मत इंसान होता है जिसके सर पे स्टार लगता है।